अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये हमारा न्यू चैनल है, हमने बनाया है, हम दोनों सिस्टर्स ने जो के हैं देवरानी और जेठानी, तो हम लोगों ने ये चैनल बनाया है। हम इसमें कुकिंग रेसिपीज जो है डालेंगे। तो आज की हमारी जो कुकिंग रेसिपी है वो है आलू की टिक्कियाँ विद चिकन कढ़ाई। तो आलू की टिक्कियों के लिए हमने आलू बॉइल करने के लिए रख दिया है। नूरी इधर लाओ ज़रा, ये देखिए ये हमने आलू बॉइल करने के लिए रख दिया है और साथ में हमने सारे इंग्रेडिएंट्स भी काट के रख दिए हैं। और इसके अंदर ये देखें जी आप, ज़ीरा, नमक, थोड़ा मिर्च, गरम मसाला और थोड़ा सा सूखा धनिया और छोटे छोटे से प्याज चॉप कर लिए। अब आलू बॉयल होते हैं तो इसको हमने जो सा है मिक्स कर देना है। जावी क्या हो गया? अच्छा आशा, तुम इसको आलू को उतार लो, फिर इसको देख लो, मैं तब तक जावी को पकड़ लूँगी। हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ कि बॉयल हुए हैं या नहीं अच्छे से। अच्छा जी, आलू चेक करने का ये तरीका है कि छुरी जोनसी है बिल्कुल अंदर जोनसी है ना, धुस चुकी है। अच्छा ठीक है नूरी, है ना। तो इसका मतलब है कि आलू आलू बॉयल हो गए। तो अब हम इसको उतार लेंगे और इसको अच्छे से मैश करते हैं। अच्छा वहाँ से पाना पकड़ूँ? हाँ हाँ पकड़ो। चलो जी, सॉरी मैं, मुझे लगा यहाँ से सिलेंडर बंद हो गया। आज हमारी गैस भी नहीं आ रही क्योंकि मौसम अच्छा, तो लोगों ने कंप्रेसर लगा लिया। कंप्रेसर बोलते हैं ना, कंप्रेसर। हाँ यहाँ पर ना आपको पता है चोरी की गैस चुनसी है ना, बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है, हर घर में कंप्रेसर है। बिस्मिल्लाह। आंटी काम वाली आई हैं लेकिन वो बाहर की सफाई कर ली, इसकी मतलब किचन सारा मैसी बना हुआ है। आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देते हैं ताकि ये बॉयल मतलब अच्छे से जो है ना ठंडे हो जाए। फिर जी आपको दिखाते हैं इसको छील के। छील के भी इसको सारा मैश करके सारी प्रॉपर टिक्कियाँ बना के देना आपको दिखाते हैं। जब फ्राई करना होगा ना तब आऊँगी मैं। तब तक मैं कमरे के रूम्स की सफाई को देखूँ। हमारा गिराज है और इसकी सफाइयाँ हो रही हैं सारी। आंटी काम शाम कर रही हैं सारा। आज बारिश थी इस वजह से पूरा घर मैसी हो गया हुआ था, लेकिन शुक्र है आंटी आई हैं तो सफाई हुई है, थोड़ा सुकून का सांस आया। लेकिन अभी थोड़ा चीज़ें समेटने वाली रह गई हैं, बाकी डस्टिंग वस्टिंग सारा कुछ हो गया है। आंटी डस्टबिनों को शॉपर लगा दिया है। ये मेरा रूम है, डस्टबिन। आंटी डस्टबिन को शॉपर लगा दिए है, गीली है। अच्छा जी, ये है जी हमारा बेटा प्यारा सा, सबका लाडला जावयार, जिसको तैयार करना भी हमारी डेली ब्लॉगिंग में आएगा। और इसको तैयार करके प्यारा सा बेबी बनाकर फिर आपको दिखाएंगे ये कैसा लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों को तैयार करना, रोज़ नहलाना इस इतनी गर्मी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जावी अच्छे, ये जावयार की सेफ। अच्छा इकरा, इसमें से पैम्पर निकाल लें। हाँ, ये पैम्पर निकाल दो। अच्छा ये इसका एक पैम्पर निकाल दिया मैंने। चाहिए मुझे बताओ इसमें से कपड़े कौन से निकालने हैं इसके, आज इसको कौन सा सूट पहनाना है? यार आज इसको हमने पहनाना है लाइट, क्योंकि ना गर्मी बहुत ज़्यादा, तो ये लॉन का स्किन कलर ये देखो ये वाला। हाँ ये बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा ये इसके दादो ने इसको स्टिच करवा के दिए न्यू सूट, माशाल्लाह माशाल्लाह सभी सूट बहुत प्यारे हैं। हम इसको वन बाय वन पहनाएंगे आपको दिखाएंगे। ये प्यारा लग रहा है ना इसका वाला सूट, कितना प्यारा स्टिच हुआ है। जावी ओए, तूने पैम्पर पकड़ा हुआ है, बहुत खुशी हो रही है इसको पैम्पर पकड़ के, पहना दूंगी अभी आपको। अच्छा ये अब जावी को उसकी मम्मा ने हिला रही है। जावी जावी को ठंड तो नहीं लग रही? ओ ये देखो पानी पी रहा है यार, ऐसे लग रहा है जैसे पानी पी रहा है टब का। नहीं नहीं ये ऐसे मुंह खोलता, बड़ा इंजॉय करता है, ये देख तो सही जरा कैसे मुंह खोलता। जावी जावी नहीं नहीं कर रहा था। अच्छा अभी इसकी मम्मा इसको नहला दे तो फिर इसको तैयार करके फिर आपको दिखाते हैं। जी जावी आप तो तैयार हो गए हो, पहले से बीबी बन गए हो। अब मैंने इसको सुलाना, इसको बहुत नींद आ रही है इसीलिए ये चिड़चिड़ा हुआ है, इसको सुलाती हूँ। चलें जी अब हो गया जावी के सोने का टाइम। जावी बाय बाय कर दो, गुड नाइट बोल दो सबको, गुड नाइट। चलें जी सियोन, जावी के सोने का टाइम हो गया। ये ना आंटी सब सारा घर धुलवाया क्योंकि रात को बारिश हुई है तो सारा घर मैसी हुआ हुआ है, लेकिन ये कि अब नीट एंड क्लीन हो गया। आपको पता बारिश और साथ में समोसों का कम्बिनेशन ना ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे देवर लाए थे समोसे, साथ में कढ़ाई भी तैयार हो गई है, खुशबू से तो बहुत मजे की लग रही है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम साथ में फ्राई करेंगे टिक्कियाँ। नूरी अब जो उनका है वो टिक्कियों का हम काम जो उनका है ना एंड कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं टिक्कियाँ।
टिक्कियाँ फ्राई हो रही हैं, यम्मी लग रही हैं। अच्छा तो चलें फिर अब हम एंड करते हैं अपने व्लॉग को, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम लोग मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आएँ। आप कुछ कहना चाहोगी नूरी? चलिए ठीक है, हाँ हाँ बस टिक्कियाँ बनाओ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और जिस वजह से किचन में ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता, तो इसलिए ये ज़रा ज़्यादा ही आर सुनता है ना, रो रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।